आज हम बनाएंगे साबूदाना का बड़ा, जिसके लिए हमने 3 उबले हुए आलू मैश करके ले लिए हैं। फिर हम यहाँ पे 1 कप साबूदाना को 2 घंटा फूलने के लिए रख दिए थे, यह फूल चुका है, वो साबूदाना ले लिए हैं। 1 चम्मच जीरा। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, और यहाँ पर हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट ले लिए, वो डाल देंगे। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर इसे हम मिला देंगे, चम्मच से मिलाने में नहीं होता है, इसे हम हाथ की सहायता से अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब ये पूरी तरह अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे। एक प्लेट ले लेंगे रखने के लिए। इस तरह हम नींबू का आकार का छोटा छोटा लोई लेकर के इसे हम चपटा कर लेंगे और इस तरह बना करके रखते जाएंगे। देखिए हमने बना लिए हैं। इसी तरह सभी को बना कर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सभी को बना कर तैयार कर लिए। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके कढ़ाई गरम कर लिए हैं, उसमें तेल डालकर तेल भी गरम कर लिए। अब हम बड़ा बना हुआ एक एक करके डालेंगे। हमने सभी को डाल दिए और इसे हम नीचे से सेकने देंगे। नीचे से सेक चुका है, अब इसे हम पलट देंगे। इसी तरह पलटते हुए इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने ब्राउन होने तक लगभग फ्राई कर लिए हैं। अब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने सभी बड़ा को निकाल लिए। अब ये बड़ा बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।